नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों पर। रीवा में भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों सहित अन्य दलों द्वारा महापौर के लिए प्रत्याशियों का चयन करना किसी चुनौती से कम नहीं है। हाल ही में भाजपा ने 5 नगर निगमों से प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, जिसमें रीवा से प्रबोध व्यास को महापौर प्रत्याशी बनाया गया है। महापौर प्रत्याशी की रेस में भाजपा से कई बड़े नाम शामिल थे, लेकिन पार्टी ने अंततः प्रबोध व्यास पर भरोसा जताया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी में हर्ष का माहौल व्याप्त है। भैया, पार्टी ने आपके ऊपर उम्मीद जताई है, किस तरह का होगा? सबसे पहले तो मैं प्रदेश नेतृत्व को, अपने जिला नेतृत्व को, अपने जननायक आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी को, आदरणीय श्री सांसद जनार्दन मिश्र जी को, सभी विधायकों को और रीवा भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। मुझ जैसे कार्यकर्ता के ऊपर उन्होंने विश्वास प्रकट किया है। आज पूरी टीम खुश इसलिए है, मुझे लगता है कार्यकर्ता को टिकट जब मिलता है तो वो साफ स्वयं देख रहे हैं। सभी कार्यकर्ता आदरणीय वेंकटेश भैया, आदरणीय विवेक भैया, सभी कोई मिल के इस जीत को दुगना करेंगे। एक बात तो तय है कि मैं नगर निगम के बारे में बहुत कम जानता हूँ, 2 बार मनोनीत पार्षद था, थोड़ी बहुत जानकारियाँ हैं। उसमें मुझे वेंकटेश भैया का और सभी का सहयोग मिलेगा, इस आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही आज मैं कहना चाहता हूँ, सभी प्रदेश के लोगों को, प्रदेश के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, सबको धन्यवाद ज्ञापन। रीवा से खबर समय जगत के लिए अमित पांडे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.